पार्ट टू में हम चर्चा शुरू किए थे टेंस के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? टेंस के बारे में। और जहाँ तक मुझे मालूम है टेंस में हमने पढ़ना शुरू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू किया था। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे, इंडेफिनिट कैटेगरी दोस्तों हम पढ़ रहे थे। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को मैंने कल पढ़ा था और उसी को हम आज आपके सामने कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा था कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। कल के क्लास में हमने आपको बताया था, पहला जो सेंटेंस होगा हमारा दोस्तों वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस। जी हाँ, कल मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, उसी को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। जी हाँ, कल हमने पढ़ाया था पॉजिटिव के बारे में दोस्तों, और हमने कहा था यदि प्रेजेंट इंडेफिनिटस पॉजिटिव में होगा तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। कल मैंने क्लास में बताया था आपको, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। हमने बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, पीएस का मतलब मैं लिखा चुका हूँ, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसको मैं पार्ट वन पार्ट टू दोनों में ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है दोस्तों, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा यानी पीएस होगा तो इसके साथ में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उस पर हम जोड़ देंगे यस या ईएस जोड़ देंगे दोस्तों। और अगर किसी भी वर्ब में हम यस या ईएस को सफिक्स करते हैं दोस्तों तो वो वर्ब जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। यहाँ आप देखिए, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस या ईएस। हाँ, एक प्रश्न उठ सकता है कि सर जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको यस या ईएस सफिक्स करना है, कब हम किसी वर्ब में यस सफिक्स करेंगे, कब हम किसी वर्ब में ईएस सफिक्स करेंगे? तो एक चीज़ सुन लीजिए, यदि किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर आपके सामने ओ एक्स एस एच सी एच या फिर डबल एस, अगर इनमें से कुछ लिखा मिल जाता है दोस्तों तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसमें हमको ईएस लगाना है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हमको यस लगाना, मतलब अदर चीज़ आता है, इनके अलावा छोड़ के अदर चीज़ आता है तो वहाँ पे क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना है। इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। कल के क्लास में जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल्स मैं फिर से दे देता हूँ। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वी ब्लैंक प्ले आ गेम। दोस्तों यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो आप आराम से इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर मुझे चूंकि इस वी की बात करूं तो वी, यहाँ कल मैंने बताया कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी क्या है प्लूरल, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों हम सीधे लिखने का प्रयास करेंगे प्ले का। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाए दोस्तों, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही, फिर मैंने कहा ब्लैंक, फिर हमने कहा राइट, जी हाँ दोस्तों राइट आ लेटर। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो आप यहाँ से भी सेंटेंस को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट राइट किया हुआ है दोस्तों, अब की बार जो ही लिखा है ही सिंगुलर है। और यहाँ देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ेगा, यस या ईएस, यानी ये वर्ब यहाँ हम राइट करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, यस को सफिक्स कर देंगे और हमारा आंसर तैयार होता है दोस्तों। कहने का मतलब, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी हमारा कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। चीज़ों को ध्यान से समझें, नोट्स जरूर बनाएं। एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम प्रैक्टिस को ऐसे लगाएंगे दोस्तों ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाए। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने डे बाय डे टॉपिक को, कंटेंट को खूबसूरत तरीके से दोस्तों मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बस आपका आशीर्वाद और आपका
प्यार हमको मिलता रहे दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो भी टॉपिक पढ़ें उसका प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस में करवाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, पर डे नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में पहला दायरा मैंने कवर किया पॉजिटिव का। यदि सेंटेंस पॉजिटिव में प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, प्रेजेंट में क्यों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये टॉपिक भी मैं बहुत खूबसूरत तरीके से बताऊंगा जब मैं आपको स्पेशल टेंस का क्लास दूंगा। जब मैं आपको स्पेशल टेंस का क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि क्यों प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SIS को सफिक्स करते हैं। दोस्तों एक एक टॉपिक दमदार तरीके से मैं आपके सामने लाऊंगा, लाजवाब तरीके से मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा दोस्तों। तब तक देखते रहें इंग्लिश तक। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी एजुकेशन को अपने आप में कवर करने के लिए दोस्तों। और यदि आप मेहनत करेंगे ना तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे। क्लास को देखिए, मेहनत करिए, मेहनत को अपना हथियार बनाइए, सफलता आपके चरणों में होगी दोस्तों। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला दायरा हमने कवर किया, यदि सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो प्लूरल, ये सब हो गया। अब दूसरे दायरे की बात करें सेंटेंस में, तो दोस्तों यदि सेंटेंस निगेटिव में हो या फिर इंटरोगेटिव में हो दोस्तों, जी हाँ हमने लिखा आज कुछ दोस्तों मेरा तबीयत गड़बड़ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव में हो या फिर इंटरोगेटिव में हो दोस्तों, तब क्या करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों। किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब को। और आप सभी जानते हैं जो जो टेंस में चीज़ों को पढ़ चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, PS का मतलब वही चीज मैं लिख रहा हूं, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे डू, और जब डू लग जाएगा दोस्तों ना, तो डू और निगेटिव होने की वजह से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी दोस्तों, नॉट की। और जब नॉट लग जाएगा तो हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ देख सकते हो, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें जो वर्ब आएगा ना उसमें हम SIS जोड़ेंगे, तो वर्ब यहाँ पर डू ऑलरेडी है ही, अंत में ओ है, ओ होने पर ES जोड़ेंगे, तो ES जोड़ करके दोस्तों मैंने क्या बना दिया, डस बना दिया। और निगेटिव में यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉट की दोस्तों, और वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यदि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में हो, तो इसके साथ में यदि प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू के साथ नॉट लगाएंगे और V1 का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में देखिए SIS जुड़ा है, अर्थात इसी डू में ES को जोड़ करके मैंने डज बना दिया है दोस्तों, और डज के साथ में भी नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे दोस्तों। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया यदि मैंने कोई सेंटेंस लिखा है, एक काम करिए, जैसे अगर ये जो सेंटेंस मैंने राइट किया हुआ है, इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना पड़े दोस्तों, क्या बनाना पड़े, नेगेटिव। तो आप खुद सोचिए नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट राइट करते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें ही है, मैंने यहाँ पर दोस्तों राइट कर दिया ही, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राइट कर दिया दोस्तों ही। अब जरा सोचिए, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर शब्द के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे दोस्तों। तो यहां हमने लगा दिया डज, और डज के बाद ठीक तुरंत क्या लगाएंगे दोस्तों, नॉट लगा देंगे। तो यहां देखिए हमने क्या लगा दिया, नॉट, और डज लगते ही हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी आपकी बार सीधे ये वर्ब आ जाएगा राइट। आपकी बार आपको यस या ES लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी वर्ब में
किसी भी वर्ब में जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कर देंगे दोस्तों, तो हमें वर्ब में यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, भले ही यहाँ का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो सिंगुलर हो। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में जमाए रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाएंगे तो भी वी वन का यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो तो भी डस का मतलब डस का यूज करेंगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट पॉजिटिव में होता है तो प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम ऐसी चीजों को अप्रोप्रिएट मानते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक था प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस का छोटा सा क्राइटेरिया था दोस्तों, जिसको बताना जरूरी था। अब इन्हीं की सहायता से, इन्हीं का मदद लेते हुए दोस्तों हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस देंगे और उस सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कैसे किन चीज़ों को याद करना है। एक काम करिए, पहले इन सारे के सारे टॉपिक्स को राइट कर लीजिए, कंटेंट को नोट्स की तरह राइट कर लीजिए, फिर इससे हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेने जा रहे हैं और हम क्वेश्चन को बहुत बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपके साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे। तब तक पहले काम करें, इसको लिख लीजिए दोस्तों। जी हाँ, लिखिए इसको। एक चीज मैं बता दूं, सेंटेंस पॉजिटिव में है, यहाँ देख लीजिए सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसका जो फार्मूला होगा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, और प्लस में क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है ना। यदि सेंटेंस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं। मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ निगेटिव का। निगेटिव का जो फार्मूला है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा दोस्तों, मेन वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला है। और किसका फार्मूला है दोस्तों, यहाँ मैंने राइट किया निगेटिव का। इसी के थेसिस पे हम सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये फार्मूला है। इसके बाद देखिए, यदि सेंटेंस हमारा क्लोज एंडेड होगा, क्लोज एंडेड होगा, क्लोज एंडेड का मतलब दोस्तों जिसके आंसर्स हम यस या नो टाइप में देते हैं, जिसके आंसर हम यस या नो टाइप में देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि सेंटेंस हमारा क्लोज एंडेड में होगा तो उसका हम फार्मूला ये लिखते हैं दोस्तों। क्लोज एंडेड में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को राइट करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को राइट करते हैं, मेन वर्ब को राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, ये हमारा फार्मूला तैयार होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद यदि सेंटेंस ओपन एंडेड हो गया तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सॉरी इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी थेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा और क्वेश्चन को मिल करके बहुत खूबसूरत तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने कहा, यदि पेपर में लिख के क्वेश्चन आ जाता है यू Does, you does call me? अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए और कुछ क्वेश्चन पहले राइट कर देता हूँ।
दोस्तों ये 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सॉल्व करें, दिमाग लगाएं, फिर इन सारे के सारे क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक काम करिए, पहले सारे के सारे क्वेश्चन को लिखिए, फिर इसी थेसिस का यूज करते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चन को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको राइट करें क्वेश्चन को। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी राइटिंग को लोगों को समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं बोल देता हूँ। यू डस कॉल मी, ही डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट राइटिंग अ स्टोरी, दे डस रिंग द वेल, सी डू प्रे टू गॉड, वी डू नॉट बाइस अपन, मोहन डू नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, आई डस नॉट सेव्स द चाइल्ड। आप के सामने जो क्वेश्चन मैंने राइट किया होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट सही नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो सही नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, कैसे, आइए चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा क्या क्या है, पहले ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा दोस्तों, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन के लास्ट टर्म को देखिएगा, यदि लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो इतना दिमाग लगाइएगा वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा, यदि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस या तो क्लोज एंडेड में होगा या तो ओपन एंडेड में होगा। ओपन एंडेड का मतलब जिसमें क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, आंसर्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। आप देखिए पहला जो क्वेश्चन यहां लिखा है दोस्तों, मैंने कहा ना ये सेंटेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव की बात करो तो इसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप आएगा, नेगेटिव की बात करो दोस्तों तो इसके अंत में भी हमेशा फुल स्टॉप आएगा, इंटरोगेटिव की बात करो तो इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप पहले ये दिमाग लगाइएगा दोस्तों कि यदि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा है तो वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा, लेकिन फुल स्टॉप के होने पर यदि सेंटेंस में नॉट दिया है, यदि सेंटेंस में नॉट दिया तो नेगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस में दोस्तों नॉट नहीं दिया है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। पहले क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ आखिरी में क्या लगा है आप खुद देख के बताइए, फुल स्टॉप लगा है, और अगर इसके अंत में फुल स्टॉप दोस्तों तो यानी ये सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, किसमें होगा दोस्तों, पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव का रूल मालूम है, यदि सेंटेंस यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस को हम क्या करेंगे, सफिस करेंगे। आइए इस चीजों को देखते हैं, यहां आप देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा दोस्तों, यू, आप बताइए यू सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, आप आराम से यहां देख सकते हो, मैंने लिखाया भी है पार्ट टू में भी पार्ट वन में, यू यहां पर प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आप यहां देख सकते हो क्या लगा है, डस लगा है दोस्तों। पहली बात यह सेंटेंस क्या है, देखिए पॉजिटिव में कहीं मैंने डू या डस का यूज किया है, नहीं दोस्तों, तो फिलहाल यहां जो डस लगा है यह पूर्णता क्या है, गलत है। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, आप यहां देख सकते हैं, यदि सेंटेंस पॉजिटिव में है सिर्फ वी वन या यस फेम आएगा फॉर्म आएगा, यहां पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब यानी किसी भी डू डस की कोई जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस में डस लगा था इसलिए सेंटेंस पूर्णता दोस्तों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर देखिए ही, आप बताइए पहले फुल स्टॉप में देखिए, यहां अंत में फुल स्टॉप लगा है और यहां देखिए नॉट आया है, फुल स्टॉप होगा और तो सेंटेंस नेगेटिव में होगा, लेकिन यदि सिर्फ फुल स्टॉप होगा और नॉट नहीं होगा तो सेंटेंस किस में होगा दोस्तों, पॉजिटिव में। यहां फुल स्टॉप भी लगा है और नॉट भी लगा है, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा दोस्तों, और नेगेटिव में आप खुद देख लीजिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, आप यहां देखिए ही सिंगुलर है दोस्तों को प्लूरल है, सिंगुलर है दोस्तों, और यदि सिंगुलर है तो यहां डू नहीं दोस्तों, यहां क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए, यानी हमारा आंसर क्या सही होगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये टॉपिक
ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी जरूर करिएगा, है ना, शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। मेहनत करिए, मेहनत का फल बहुत जल्द आपके सामने आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अगला देखिए, फिर से लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा है। मैंने कहा यदि अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो पूरे सेंटेंस में देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा है और सेंटेंस के बीच में नॉट आया है। तो यदि फुल स्टॉप और नॉट दोनों आएगा तो सेंटेंस निगेटिव होगा, यानी ये सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव होने पर सब्जेक्ट को देखिए, यहाँ आई को मैं प्लूरल मान के चला हूँ। परसों के क्लास में या पार्ट टू के क्लास मैंने बताया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिटस में आई को दोस्तों हम प्लूरल मानते हैं। आई को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ आई प्लूरल, यदि आई प्लूरल तो क्या लगेगा? डू लगेगा, यानी डू यहाँ पर दोस्तों सही है, नॉट सही है। लेकिन जरा देखिए, डू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहाँ पर कौन सा फॉर्म आया है दोस्तों? आईएनजी फॉर्म आया है। तो डू के साथ कभी भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, यानी यहाँ राइटिंग कहना नहीं सही है दोस्तों। हमारे हिसाब से यहाँ क्या कहना सही होगा? राइट कहना सही होगा, यानी आंसर हमारा क्या तैयार होता है दोस्तों? आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जरूर शेयर करिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब की बार अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों। मैंने कहा यदि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा दोस्तों तो वो सेंटेंस दो हिस्सों में जाएगा, या तो क्लोज एंडेड में या तो ओपन एंडेड में, या तो क्लोज या तो ओपन एंडेड में। ओपन तब जाएगा दोस्तों जब क्वेश्चन में, जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड हो। आप बताइए इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड है? देखिएगा, इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों? नहीं। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्लोज एंडेड में जाएगा। और आप देखिए क्लोज एंडेड में सबसे पहले दोस्तों क्या राइट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इस पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ कौन कर रहा है? डज। लेकिन जरा देखिए दे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डज नहीं दोस्तों, क्या लगेगा? डू। तो पहले आप यहाँ ES को हटाइए, इसको डू बनाइए दोस्तों, और जब ये डू बन जाएगा तो इस सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा। यानी दोस्तों इसका आंसर यहाँ सबसे पहले आप डू राइट करेंगे, फिर दे होगा, फिर रिंग होगा, द बेल होगा, यानी किसी भी तरीके से यहाँ डज कहना गलत होगा। इसका आंसर सीधे होगा डू दे रिंग द बेल। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में आप रखे रहिएगा कि क्वेश्चन मार्क होने पर दो सेंटेंस, या तो क्लोज एंडेड या तो ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में तब जाए तो जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड हो। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो वो क्लोज एंडेड में जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्लोज एंडेड में कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्त, तो लिखा सी डू प्रे टू गॉड। यहां देखिए आखिर में फुल स्टॉप लगा फिर से। अब की बार सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप तो लगा है, लेकिन सेंटेंस के बीच में कहीं नॉट नहीं है दोस्तों। अगर सेंटेंस में सिर्फ फुल स्टॉप है और नॉट तो वो पॉजिटिव में जाएगा, तब ये वाला रूल लगेगा। यदि सेंटेंस में फुल स्टॉप भी है, नॉट भी है, तो ये वाला रूल लगेगा। तो नॉट नहीं है, इस वाले रूल की तरफ देखिए। यहां जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है दोस्तों, बताइएगा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है दोस्तों या सिंगुलर है? आप सी की तरफ ध्यान से देखिए तो ये सी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों उसमें क्या जोड़ेंगे? यस या यस। तो यहाँ पर पहली बात मेन वर्ब ये है दोस्तों, जो यस या यस जोड़ेंगे मेन वर्ब में जोड़ेंगे। तो यहाँ और एक चीज देखिए, पॉजिटिव में किसी भी कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डू को हटा दीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू या डज लग सकता है दोस्तों, लेकिन उसके कंडीशंस कुछ अलग होंगे, इम्फेसाइजिंग हो जाएगा, उसको बाद के किसी क्लास में देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल डू नहीं लगेगा, ठीक है, मैंने हेल्पिंग वर्ब हटा दिया। लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से यस जोड़ेंगे, यानी ये जो प्रे है दोस्तों इसमें हमें यस सफिक्स करना होगा। यहाँ अंत में वाई था, अगर अंत में इनमें से कुछ होता दोस्तों तो ES जोड़ते, यहाँ अंत में वाई था इसलिए मैंने क्या जोड़ दिया? यस जोड़ दिया, और हमारा आंसर तैयार होता सी प्रेज टू गॉड। हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू नॉट बाई अ पेन। अब आप लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा है, नॉट लगा है, यानी निगेटिव का दायरा, निगेटिव में ये फार्मूला लगाएंगे। सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप तुरंत बोलोगे कि ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, यानी यहाँ डू लगा है। ये दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बाई में यस जुड़ा है, और डू या डज होने पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आता है दोस्तों, कि भी किसी भी हमें एस या एस की कोई जरूरत नहीं है। तो वी डू नॉट बाई अ पेन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? आ रहा है? हेलो, वेरी गुड बेटा।
ध्यान किधर है? आपका टीचर इधर है बेटा। हाँ चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, नॉट लगा है, यानी निगेटिव, निगेटिव में ये फार्मूला। मोहन की बात करें दोस्तों तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, यहाँ डू लगा है तो पहले तो आप यहाँ एस जोड़ करके डज लगाइए। दोस्तों डज लग गया, लेकिन जैसे ही डू डज लगेगा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, यहाँ यस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने राइट किया हुआ दोस्तों। अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क, सॉरी माफ कीजिएगा, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, नॉट है। मैंने कहा यदि फुल स्टॉप होगा नॉट होगा तो सेंटेंस निगेटिव में जाएगा और ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस में जो आई लिखा है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है दोस्तों? अगर ये प्लूरल तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? डू, यानी यहाँ मुझे किसी भी ईएस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन जैसे ही डू या डज लगा दोस्तों सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ फिर से देखिए यस जुड़ा है इसलिए मुझे यहाँ किसी भी एस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर सिर्फ सेव होगा और इसका आंसर तैयार होता है आई डू नॉट सेव द चाइल्ड। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा क्लास? अगर मेरा क्लास आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या क्या इम्प्रूव्स मैं अपने क्लासेस में कर सकता हूं दोस्तों, आप ज़रूर हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस का जो इम्पोर्टेंट एरिया था उसको मैंने कवर कर लिया है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टेंस के साथ दोस्तों। तब तक इस पूरे टॉपिक को खूबसूरत तरीके से राइट कीजिएगा, इस सारे के सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में राइट करिएगा और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा दोस्तों, क्योंकि जब पूरा टेंस मैं कवर कर लूँगा ना तो पूरे टेंस का एक मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा दोस्तों, उसमें सारे के सारे टेंसेस के क्वेश्चंस होंगे और सबको एक साथ विदाउट रूल्स के आपको सॉल्व करना होगा। वहाँ पर वहाँ कोई रूल लिखा नहीं मिलेगा आपको, एक एक चीज़ों को मैं कह रहा हूँ ना, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आप मेहनत कीजिए और हर नोट्स को अच्छे तरीके से बनाइए। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, कल फिर मिलेंगे पार्ट फोर में एक नए टेंस के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।